अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिना एकामे के बाहर जाते हैं और उनके पास एकामा नहीं होता है। तो वो जो है क्या करते हैं कि अफसर पे जो जा करके अपना डिजिटल एकामा को चेक कराते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं। मैं खुद भी कभी कभी डिजिटल एकामा ही चेक कराता हूँ, क्योंकि बस दफ़ा क्या होता है मैं अपना एकामा ही रूम में भूल जाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है आप अपना डिजिटल एकामा को एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है उसे ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को दिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जरूरी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको अफसर को जो है प्ले स्टोर पर जा करके अपडेट कर लेना, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है वो अफसर पर जो है नहीं शो कर रहा था, फिर से आ गया है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करें कि अफसर पे अपना जो अफसर सॉरी प्ले स्टोर पर जो जा करके अपना अफसर का एप्लीकेशन जो होता है उसे अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अफसर को ओपन कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अफसर पे जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक मसला भी शो कर सकता है कि यहाँ पर अरबी में होगा, यहाँ पर अरबी में आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस पर अगर आप क्लिक कर लेंगे तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश अरबी में चेंज हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अरबिक में अभी चेंज हो गया, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं चेंज टू इंग्लिश लिखे हुए, इस पर आपको क्लिक कर लेंगे तो आपका जो है इंग्लिश में वापस विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है और डिजिटल कार्ड का ऑप्शन है, तो डिजिटल कार्ड पर अभी आप क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल कार्ड शो नहीं करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना, लॉगिन पर क्लिक करना। चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है ऑलरेडी फिल है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फिल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर लें। चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके अफसर से जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी मुझे आ गया है, सिंपली मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करके यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो ठीक है यहाँ पर अभी अलाउ नोटिफिकेशन कर देता हूँ, अलाउ हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है हमारा जो है डिजिटल कार्ड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यह देखिए यहाँ पे डिजिटल कार्ड का ऑप्शन आ गया है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन का जो मतलब जो हमारा डिजिटल एकामा होता है वो यहाँ पर शो कर दिया है। अब यहाँ पर लिखे हुआ बायोमेट्रिक्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है ऐप लॉग, इसको अगर आप क्लिक कर लेंगे तो क्विक लॉगिन पे आप चले जाते हैं। तो इस पर मैं इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स मांग रहा है तो मैं अपना बायोमेट्रिक्स यहाँ पे नहीं डालता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं अपना एक कोई भी पिन जो है वो डाल देता हूँ, वो ईजी होता है सबके लिए। तो मैंने पिन डाल दिया, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हो गया। अब इसे बैक कर जाना, बैक करने के बाद यहाँ पर आपका जो शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रोफाइल शो करेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा माई एकामा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। चाहिए इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट वगैरह सब शो कर देगा, बैक हो जाते हैं। अब बैक होने के बाद अभी हमारा जो है सारा चीज़ हो गया, हमने अपना डिजिटल एकामा को चेक कर लिया है। अब इसे सीखेंगे कैसे जो है हम लोग ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में जो है चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक बार इसे कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल एकामा का ऑप्शन आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपसे पिन मांगेगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पिन बनाया था, वही पिन यहाँ पे मांगेगा। मैं इसे यहाँ पे डाल लेता हूँ और यहाँ पे अपना पिन को डाल करके ओके कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिजिटल एकामा जो है शो कर दिया है। अब यहाँ पे तो मैंने नेट ऑन करके दिखाया है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑफलाइन में भी चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे कट कर देता हूँ, चला जाता हूँ, वाईफाई बंद कर देता हूँ। वाईफाई बंद करने के बाद फिर से क्या करना है, आपको अफसर को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने अफसर ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे डिजिटल कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये डिजिटल कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से जो है पिन मांगेगा, अगर आपने फिंगर लगाया तो फिंगर मांगेगा, पिन लगाया तो पिन मांगेगा। तो यहाँ पर मैं अपना सिंपल पिन को यहाँ पर डाल के ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है डिजिटल एकामा कार्ड शो कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नेट भी ऑफ है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेरा जो है डिजिटल कार्ड आपका भी इसी तरीके से इकामा शो करेगा। अगर आप कहीं पे जाते हैं, अगर आपके पास इन केस आपके पास नेट नहीं है या फिर आपके मोबाइल में डाटा नहीं है, तो इस तरीके से जो है आप अपना डिजिटल इकामा को शो कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास अपना जो ओरिजिनल इकामा होता है वो नहीं है, छूट गया हो, चाहे किसी तरीके से मिस्टेक से रूम में रह गया हो, तो इस तरीके से आप अपना डिजिटल इकामा कार्ड को कहीं पर भी दिखा सकते हैं चेकिंग के दौरान। तो वहाँ पे आपको ये अप्रूवल है, आप दिखा सकते हैं और आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं मिलेगा। मैं खुद भी कभी कभी इस तरीके से दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट भी बंद है और हमारा जो है डिजिटल कार्ड जो है इकामा का वो भी शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नेट मेरा बंद है। तो यहाँ पर बिना नेट के भी आप अपना डिजिटल इकामा कार्ड को एक्टिवेट करके आसानी से जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से बिना नेट के या फिर बिना डाटा के आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, अगर आपके पास इकामा ना हो तो इस तरीके से डिजिटल कार्ड को एक्टिवेट कर लें और आसानी से जो है आप अपना डिजिटल इकामा कार्ड को शो कर सकते हैं अफसर के थ्रू। और ये पूरी तरीके से लीगल है, अप्रूव है, आप कहीं भी दिखाएंगे तो आपको कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा, आपको एंट्री मिल जाएगा या फिर चेकिंग के दौरान दिखाते हैं तो आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।